Hello everyone, I am Dr. Ashish Sharma, a pediatric dentist. Well, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि how do dentists manage a kid in the dental clinic. It is very difficult to many people and many other dentists also to manage a kid. And even the parents, जो parents होते हैं वो भी सोचते हैं कि बच्चों को कैसे मैनेज करा जाएगा, क्योंकि हमारे जो प्रोसीजर होते हैं वो लेंदी प्रोसीजर होते हैं, उसमें पेशेंट को मुँह खुला रखना पड़ता है, हमारे डेंटिस्ट के इंस्ट्रक्शंस को उनको सुनना पड़ता है और उसको फॉलो करना पड़ता है. से फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी बच्चे की फिलिंग करनी है, दांत की फिलिंग करनी है, तो हमें उसे बोलना पड़ता है कि आप मुंह को खुला रखिए काफ़ी देर के लिए. हम उसे ड्रिल करते हैं, कैविटी को रिमूव करते हैं, और जब उस पर फिलिंग करते हैं तो हम लोग उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पर हम लोगों ने कैविटी फिलिंग करा, वहाँ पर सलाइवा या थूक जिसे कहते हैं वो नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. तो आज मैं कुछ उन स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो जिससे हम बच्चों को अपने क्लिनिक में मैनेज करते हैं. अपने बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड इज डन बाय दैट. आई एम ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, सो आई हैव डन माई मास्टर्स इन किड्स डेंटिस्ट्री विच आई एम प्रैक्टिसिंग इन गुवाहाटी. सो आई वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट्स, किड्स पेशेंट्स. फर्स्ट थिंग इज़ दैट, ये एक सोच होती है कि दूध का दांत है, मिल्क टीथ है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज परमानेंट टीथ. आई रिकमेंड पीपल टू कंसल्ट अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट व्हेन इट कम्स टू योर चाइल्ड टीथ, जस्ट लाइक द वे यू गो टू अ पीडियाट्रिशियन फॉर योर चाइल्ड हेल्थ. जैसे कि आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हो अपने बच्चे जब उनको सर्दी जुकाम वगैरह होता है, तो वैसे ही आपको एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए जब उनके दांत में प्रॉब्लम होती है. तो आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियर मैनेजमेंट के बारे में. देर आर मेनी स्टेप्स, देर आर मेनी वेज बाई विच वी मैनेज अ चाइल्ड इन अ डेंटल क्लिनिक. आई वुड से देर आर लाइक 10-15 वेज एंड एवरी चाइल्ड हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ गेटिंग मैनेज्ड. Few and for that we need to know the psychology of the child. It is very important that कि हम बच्चे का child psychology को जानें, हम उसके बारे में पता करें कि बच्चे का background कैसा है, वो उसकी सोच कैसी है. Every child, every individual has a different way of thinking and you know living life. So once we get to know about the child a bit, some of the child are shy, some of the child are introvert, some of them are extrovert, some of them are, you know, very naughty, they are like, you know, I wouldn't say the word naughty, but they are very active, some are very hyperactive. So these are the ways we get to know that how the child can be managed. One of the simple method of managing a child is tell, show, do. Tell, show, do का मतलब होता है कि हम बच्चे को पहले बताते हैं कि आपका ये treatment होना है. और एक चीज़, हम फर्स्ट विजिट में ट्रीटमेंट कम से कम करते हैं. हम बच्चे को क्लिनिक के साथ और डेंटिस्ट के साथ और डॉक्टर के साथ हम लोग उसे यूज़ टू कराते हैं. पेशेंट को हम लोग फील कराते हैं कि यू आर इन अ वेरी सेफ एंड अ कंफर्टेबल जोन एंड इन द प्रेमाइसिस यू आर कंफर्टेबल. टेल शो डू, टेल शो डू में क्या होता है कि हम बच्चे को बताते हैं कि आपके ऊपर ये ट्रीटमेंट करा जाएगा. फिर हम क्या करते हैं, उनको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल. से फॉर एग्जाम्पल, हम उनको एक वीडियो दिखा देते हैं या फिर हम उसे बताते हैं कि देखिए ऐसे होने वाला है ये प्रोसेस. हम लोग एक एक्ट प्ले करते हैं कि हाँ इस तरीके से हम ये प्रोसेस करने वाले हैं और फिर उस चीज़ को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द वे. द अदर वे इज़ मॉडलिंग. मॉडलिंग मीन्स बच्चे को आपको ये दिखाना है कि आपके साथ जो उनके साथ अगर उनके सिबलिंग्स आए हैं, भाई या बहन आए हैं जो बड़े हैं उनसे उम्र में, या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कभी कभी छोटे भी हैं उनसे उम्र में, तो हम लोग उन पे दिखाते हैं कि देखिए ये तो चेयर में बैठ गया या बैठ गई और ये देखिए मुंह खोल रही है या खोल रहा है. दे आर डूइंग इट वेरी कंफर्टेबली. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू डू द सेम थिंग ऑन द पेशेंट और द चाइल्ड ऑल्सो. सो दिस इज द अनदर वे विच वी कॉल एज मॉडलिंग. नाउ for us to do the behavior management of the child, it's very important because we need very long appointments with the child. We need to do treatment for a very long duration of time. So the third thing and one of the most important thing, one of the things which I also follow in my clinic is that I give reinforcement. मैं positive reinforcement देने की कोशिश करता हूँ बच्चे को. अगर उन्होंने मुँह खोला तो ये नहीं कि अब तुम treatment कराओ. अगर वो मुँह खोल रहे हैं तो उनको बोलता है very good. सब appreciation that you are wearing nice color clothes today, you are wearing very good shirt today, or maybe your shorts are very smart, you look very good,
your haircut is very good. There are many ways of appreciating, which gives them a very good feeling about being in a dental clinic. Because as it is, the things are going to be a bit traumatizing for the child. But to make him or her feel more comfortable, we do some positive reinforcement. And the next thing which is there is about one of the major factors when it comes when you are treating a kid patient is the parents. You know, it is very important to have a very cordial relationship between the dentist, the child and the parents. You should, it's called as a pediatric triangle actually. There's a terminology for it. Ki ek achha relationship hona chahiye. Ek aisa relationship hona chahiye jisse parents aap pe trust karte ho. और आप उन पर ट्रस्ट करते हो कि आप जो भी ट्रीटमेंट करोगे वो अच्छे से होगा. तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को बच्चे को पेरेंट्स से दूर करना पड़ता है कि ठीक है दूर इन द सेंस कि लाइक आई एम गोइंग टू द ट्रीटमेंट एरिया, द चाइल्ड विल कम टू माय चेयर, सो एट दैट टाइम द पेरेंट्स शुड नॉट बी देयर. हालांकि कभी कभी हमें पेरेंट्स को बुलाना भी पड़ता है कि हाँ आप खड़े हो जाइए. सो बेसिकली देयर आर नो सेट रूल्स फॉर दिस दैट हाउ डू यू मैनेज अ चाइल्ड. देयर इज नो वन सिंगल फार्मूला, दैट इज नॉट अ सिंगल फार्मूला दैट विल वर्क व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट. जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए जिससे हम बच्चों को मैनेज करते हैं अपने क्लिनिक में. टेल शो डू, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, मॉडलिंग, उनको रिवॉर्ड्स देते हैं हम लोग कि आप अगर अच्छी तरह ट्रीटमेंट कराओ तो आपको हम लोग कोई बबल्स देंगे, या say for example we gives them some you know erasers and all these things, many toys to play also in the clinic so that they get you know and entertained and then they feel like getting their treatment done. And one of the most important thing which I have introduced in my clinic, something new, is known as conscious sedation, or we call it as sedation dentistry, laughing gas dentistry, which I have introduced right now in my clinic, and for the first time in Guwahati I have introduced it. So I will be talking about this in my next talk. Thank you so much. Have a great day ahead.